अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. सो वी हैव डन द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज. टुडे वी विल डू द रिमेनिंग बुक एक्सरसाइज, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल आस्क यू टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द वीडियो वेन एवर वी विल अपलोड द वीडियो. सो लेट्स मूव टूवर्ड योर बुक एंड यू हैव योर रिसोर्स पैक, सो यू कैन टेक योर टेक द हेल्प फ्रॉम योर रिसोर्स पैक एज वेल. सो आई विल ओपन द पेज ऑफ योर रिसोर्स पैक. दिस इज अ पेज ऑफ योर रिसोर्स पैक. यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर बुक्स एज वेल एज ऑन योर नोटबुक. सो वर्किंग विद द वर्ड्स ऑन द नेक्स्ट पेज, इट्स पेज नंबर 42. सो ऑन द नेक्स्ट पेज हियर आर सम वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पैसेज. राइट देम इन योर नोटबुक एंड देन यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड देयर मीनिंग्स. यूज देम इन योर सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. सो इट्स बेटर इफ यू फाइंड बाई योर सेल्फ एंड यू हैव टू राइट द सेंटेंसेज. इट विल इनहेंस योर क्रिएटिविटी. सो आई विल वेलकम इफ यू विल राइट दिस बाई योर सेल्फ. सो द फर्स्ट वन इज मंचिंग. मंचिंग इज अ चूइंग फूड पर्पजफुली, यूजली विद अ क्रंचिंग साउंड. ठीक है, किसी चीज को चबा चबा के खाना जिसमें से कोई साउंड निकल रही हो, दिस इज कॉल्ड मंचिंग. नेक्स्ट इज अलाउड. अलाउड का मतलब होता है किसी चीज की इजाजत होना. गिवन परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन और समबडी टू डू समथिंग. सी इज वेराइटी. वेराइटी इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिड थिंग्स. इंटरटेनमेंट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट. ठीक है, इंटरटेनमेंट इज समथिंग प्रोड्यूस्ड और परफॉर्म फॉर एन ऑडियंस. ठीक है, किसी ऑडियंस को खुश करने के लिए कोई चीज करना है, इज कॉल्ड इंटरटेनमेंट. फेवरेट होता है पसंदीदा, मच लव एंड मोस्ट वॉन्टेड. नेक्स्ट इज अपलॉड. अपलॉड इज किसी चीज की तारीफ करना, क्लैप करना और अप्रूवल शो करना. वैनिश इज टू डिसअपेयर फ्रॉम द व्यू. किसी चीज को खत्म कर देना. गैस्प मीन्स ब्रीथ इन विद अ सरप्राइज और पेन. किसी गैस्प मतलब होता है कि सांस लेना, हैरान कुन तौर पर सांस लेना या दर्द से सांस लेना. Wriggling is a small, quick, twisting movement. ठीक है जी. Match the person. So what you have to do, you have to make sentences from these words and write this on your notebook. So match the person to the description of what they say. A shopkeeper is a person who manages store and sell items. A holy man is a person who is very religious. A washer man is a person who washes. So ये जो W O लिखा हुआ है, this is for the purpose. अगर man नहीं woman भी लिख लें तो it's better. It's right. It's not wrong. So a water carrier was a person who transported water from wells to home before pipes were common. A king or queen is a person who rules the country. A milkmaid, a cowman is a person who looks after cow and milk for milk them. A police officer is a person who prevent crime and keeps order. ठीक है जी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इट्स लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसमें उन्होंने कौन से दिए हैं? सिंपल स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन एंड कमांड. अच्छा जी स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं? सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो सिंपल होते हैं. ठीक है, हमने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ सिंपल. सो व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट. सिंपल जो होती हैं वो स्टेटमेंट सिंपल ये होती हैं जिसमें हम सिंपल डिक्लेरेशन करते हैं किसी चीज की. फॉर एग्जांपल माय नेम इज फला फला. ठीक है, व्हाट एवर माय नेम इज. सो क्वेश्चंस में होता है जब वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन. एक्सक्लेमेशन होता है हमारे इमोशंस का एक्सप्रेस करना और कमांड होता है किसी चीज का हुक्म देना. सो द सेंटेंसेज आर रिटन ओवर देयर. वी हैव टू टेल दैट विच सेंटेंस इट इज. सो ए इज डोंट लीव मी हियर अलोन. दिस इज अ कमांड. वो कमांड कर रहा है कि प्लीज मुझे यहां मत छोड़ के जाओ. द नेक्स्ट इज दिस इज योर ओनली चांस. दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट. गेट आउट ऑफ माई हाउस. दिस इज अ कमांड. वो हुक्म दे रहा है कि निकल जाओ मेरे घर से. ठीक है जी. वट अ वंडरफुल मोमेंट दैट इज. इट इज एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स. सो द लास्ट वन इज इट द हाइएस्ट माउंटेन इन द कंट्री. दिस इज अ क्वेश्चन. So there are many examples of each to be found in the story. Can you please find some for me? Yeah, it's good if you find something for me. So change the following statement into the questions. What you have to do, you have to do this on your notebooks. Everything must be done on your notebook. So change the following statement into question. The first one is my father is coming with me to Murray tomorrow. So isko hum change kya karenge? Is my father coming to me coming with me to Murray tomorrow? Are we going to by bus? So you know how to make questions. So this is a pattern. We can make question. We just change the like. Next is the road is very steep. So isko hum change karenge. Is the road very steep? I don't like traveling by bus. Don't I like traveling by bus? Theek hai ji. Next is we shall get there at 5:30. Shall we get there at 5:30? So next is tenses. So tenses mein kya karna hota hai? Sometimes when we talking about grammar, we use the word tense.
टेंस रियली मीन्स टाइम एंड वी टॉक अबाउट अ वर्ब बींग इन अ सर्टेन टेंस. टेंसेज जो हमें क्या बताते हैं, हमें टाइम के बारे में बताते हैं. टेंसेज आर यूजली डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, द पास्ट, पास्ट मतलब जो गुजर चुका है यस्टरडे, द प्रेजेंट जो आज है टुडे, एंड द फ्यूचर जो कल होगा टुमोरो. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसका मतलब क्या है कि मैं कल स्कूल गई थी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. आई शेल गो टू द स्कूल टुमोरो, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. सो द फर्स्ट वन इज से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आई वेंट टू सदर लास्ट वीक, सो दिस इज पास्ट. हाउ कैन वी से इट्स पास्ट, इसमें वेंट यूज किया हुआ है, विच इज द इंडिकेशन ऑफ द पास्ट टेंस. माई सिस्टर इज ईटिंग एन एप्पल, इज ईटिंग इज अ प्रेजेंट टेंस. So my father will take us in his car. Will take is about the future. Now use the following groups of words to form sentences in the tense shown in the bracket. You have to change the tense of the verb. So the first is I apple eat. इसको हमने present में बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे? I am eating apples. The two boys to school go next turn. तो हमने इसको क्या करना है? The क्योंकि future में जो होता है वो will होता है. So क्या किया? The two boys will go to school next turn. My sister went to school. Also, my sister was going to school. So this is how we can make. So they are saying now people will make their own choice of the sentences. So you can make your own choice of sentences. So listening and speaking will be done in your class. So take care of yourself. This is all from the chapter. Your chapter is now finished. So learn this chapter properly. Write each and every sentence on the book, on the notebook. So take care. See you tomorrow. Allah Hafiz.